फ्रेंड्स नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एबीसी कार्ड या फिर एपीआर आईडी। एबीसी कार्ड कहने का मतलब है कि एकेडमिक बैंक क्रेडिट कार्ड या फिर इसे ही अपार आईडी, उसमें एक अपार आईडी मिलता है एबीसी कार्ड में ही, जिसको कि डिजी लॉकर के थ्रू बनाया जाता है। ये अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी स्टूडेंट को, चाहे वो अगर पीजी में एडमिशन ले रहे हैं तो उन्हें ये चीज़ बनवानी ही पड़ेगी। ऑलरेडी उनका एडमिशन हो चुका है स्नातक में, जो कि 4 वर्षीय कोर्स सिस्टम चल रहा है CBCS के तहत, तो उसमें भी अपार आईडी खोजा जा रहा है, जो कि डिजी लॉकर के सहायता से एबीसी कार्ड कहा जाता है, स्टूडेंट बैंक क्रेडिट कार्ड, जो कि आप सभी को बनानी होगा। इस रिलेटेड मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना के डाल दिए हैं कि इस प्रकार से आपको बनाना है। फिर भी बहुत सारे छात्र छात्राओं को कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं इसे कैसे बनाऊंगा। अभी पीजी में एडमिशन जो चल रही है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में, इसमें भी छात्र छात्राएं अपार आईडी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, और बहुत सारे छात्र छात्राएं जो कि डिजी लॉकर का मैसेज आ रहा है, आप लोग पेपर वगैरह में भी देख रहे होंगे डिजी लॉकर से कैसे बनाए। तो आप इसके बनाने की 2 सुविधाएं, मैं अभी फिर से बना के आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। बिल्कुल आप अपने फ़ोन से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बनाने के 2 तरीका है। डिजी लॉकर ऐप होता है, आप जाके प्ले स्टोर से डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड कर ले। उसमें आपको आधार से वेरीफाई करना होगा, बहुत सारे छात्र छात्राओं का तो बना भी होता है डिजी लॉकर, जिसका नहीं बना है वो डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करके बना सकते हैं, मैं बता दूंगा प्रोसेस। और जो डिजी लॉकर से नहीं बना पा रहे हैं, मैं वेबसाइट से डायरेक्ट बना के दिखा दूंगा। अभी मैं यहाँ पे वेबसाइट से ही बनाने वाला हूँ, आप डिजी लॉकर से भी बना सकते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है, जिसका डिजी लॉकर पर आईडी बना हुआ है वो तो वेबसाइट पर लॉगिन करके बना लेंगे, लेकिन जिसका आईडी नहीं बना हुआ है डिजी लॉकर पर, तो वो आईडी बनाने के लिए आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जोड़ना जरूरी है। जिसका भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है, ओटीपी वेरीफाई अभी नहीं होगा, उसका अपार आईडी नहीं बन सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि अपना आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़वाना है। जब जहाँ भी जुड़वा सकते हैं, जो भी निजी CSP शॉप में ये जोड़ा जा रहा होगा, जहाँ वहाँ पे जाके आप इसे जुड़वा ले सबसे पहले, तभी आपका APR आईडी यानी अपार आईडी रेडी होगा, जो कि ABC क्रेडिट कार्ड सिस्टम के तहत होता है। इसी प्रकार का आपका कार्ड रहने वाला है, यहाँ पे QR कोड दिया रहेगा, बगल में फोटो दिया रहेगा, नीचे आपको अपार आईडी, जैसे यहाँ पे है ना स्कैन QR कोड, तो APR आईडी आपका फटाक से नीचे आ जाएगा। जब मैं बनाऊंगा अभी तो आपको दिखा दूंगा ये प्रोसेस में, वीडियो में लास्ट तक अगर बने रहिएगा तो आपको बिल्कुल कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप आसानी से समझ जाएगा कि हाँ आपको किस प्रकार से APR आईडी बनाना है। जिस तरह जैसे कि आप ABC का कार्ड कह सकते हैं, एकेडमिक बैंक क्रेडिट कार्ड, अब ये हर जगह लागू है ही, तो जो भी छात्र छात्राएं बनाए हैं ठीक है, जो नहीं बनाए उन्हें बनाना ही पड़ेगा, तो आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ लें। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं किस प्रकार से आप आईडी या फिर ABC कार्ड या डिजी लॉकर से जो कहा जाता है आप किस प्रकार से बना सकते हैं उसे देखते हैं। इस नए वीडियो में आप देख रहे हैं स्टूडेंट LIG यूट्यूब चैनल। ABC बैंक ऑफ क्रेडिट यानी कि AC एकेडमिक बैंक क्रेडिट कार्ड जो होता है, ये क्या है? ये सभी छात्र छात्राओं को जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में UG कर रहे हैं या PG कर रहे हैं, सभी को ये बनवाना ही पड़ेगा ABC कार्ड, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कार्ड। फुल फॉर्म आपको स्क्रीन पर यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लॉन्च किया गया है। इसमें है ये कि अगर आप सपोर्टेड की सेमेस्टर 3 तक का पढ़ाई कर लिए हैं ग्रेजुएशन में या फिर PG में, और वहाँ पे आपकी पढ़ाई छूट जा रही है किसी कारणवश, तो आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में जब भी 2 साल बाद 4 साल बाद जहाँ भी रहेंगे, सपोर्टेड अभी आप भागलपुर से कर रहे हैं या पटना से कर रहे हैं, उसके बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चल जाएंगे इंडिया के अंतर्गत, तो वहाँ पे ये ABC कार्ड के थ्रू आपका एडमिशन लिया जाएगा। और जिस सेमेस्टर से आपका पढ़ाई छूटा रहेगा, सपोर्टेड 3 सेमेस्टर तक आपका पढ़ाई क्लियर हो गया है, तो 3 सेमेस्टर के बाद 4 सेमेस्टर से आपका वहाँ पे एडमिशन होगा, यानी जहाँ से पढ़ाई छूटा हुआ रहेगा वहीं से आपका पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको ABC कार्ड यानी कि एकेडमिक बैंक क्रेडिट कार्ड बनाना ही पड़ेगा सभी छात्र छात्राओं को। ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। जितने भी यूनिवर्सिटी में छात्र पढ़ते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में इंडिया के, इन्हें ये बनाना ही पड़ेगा। आगे जो आपका काम काज होगा ना सपोर्टेड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो रिजल्ट्स आएगा, तो ये सारा काम काज भी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कार्ड पे ही सेट किया जाएगा। जो भी यूनिवर्सिटी में जो भी आपका काम होगा, ये यहाँ पे आपका सेविंग रहेगा, जैसे डिजी लॉकर में रहता है उसी के तहत से यहाँ पे आपको एक कार्ड मिलेगा, वहाँ पे स्कैन करने वाला रहेगा, जैसे स्कैन करोगे सारा डिटेल्स आपका खुल के आ जाएगा। तो सभी छात्र छात्राओं को ये बनाना चाहिए, बनाना ही पड़ेगा, बिल्कुल आसान प्रक्रिया है। यहाँ पे हम आप सभी को बना के दिखाते हैं, आप लोग बिल्कुल फ़ोन से इसे अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग इसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप गूगल पे आना है, गूगल पे आके आपको यहाँ पे सिंपली सर्च ABC आईडी कार्ड, आपको एक ही नंबर पे दिख जाएगा, एकेडमिक बैंक ऑफ सर्च करने के बाद क्लिक कर देना है। फर्स्ट साइड आपके सामने इस तरह से खुल के आ जाएगा फ़ोन पे, ठीक है।
तो यहाँ पे माय अकाउंट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, आपको इस पर क्लिक करना है। हम लोग स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे क्लिक करना है, यूनिवर्सिटी के लिए भी ये साइट चलता है तो वो लोग यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे, तो आपको स्टूडेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। देखिए डिजी लॉकर का ही है क्योंकि डिजी लॉकर के थ्रू ही ये जुड़ा हुआ है, सरकार का ही वेबसाइट है डिजी लॉकर, और ऐप भी आता है, आप ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं डिजी लॉकर डाउनलोड करके, बट मैं वेबसाइट के थ्रू बता रहा हूँ क्योंकि ईजिली हो जा रहा है। यहाँ पे आपको लॉगिन करने का दो, अगर आप डिजी लॉकर पे ऑलरेडी पहले से बना रखे हैं अपना आईडी, तो यहाँ पे आईडी डालेंगे, यहाँ पे एम पिन डालेंगे, यहाँ पे साइनिंग कर लेंगे, ठीक है। अगर एम पिन भूल गए हैं तो पिन ऑथेंटिकेशन यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो पिन वाला ऑप्शन देखिए यहाँ से हट जाएगा, और उसके बाद टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करके ट्रिक करेंगे ओटीपी आएगा, तो फिर आप यहाँ पे हो जाएगा। मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं, यूजर नेम से भी आप डाल के यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, अदर से भी आप यहाँ पर डाल के कोई आईडी वगैरह है जैसे कि आपने आधार कार्ड वगैरह सेलेक्ट किया होगा तो यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन आएगा, तो इससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका आईडी डिजी लॉकर पर नहीं बना हुआ है तो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कि न्यू यूजर, तो आपको न्यू यूजर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका यहाँ पर एक आईडी बनवाया जाएगा, रजिस्ट्रेशन होगा, तो मोबाइल नंबर देना है, ओटीपी आएगा, वो ओटीपी वेरीफाई कर लेना है, सेलेक्ट आइडेंटिटी टाइप आपको आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह कुछ एक देना पड़ेगा, फुल नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ सही से भरना है, सेलेक्ट जेंडर भरना है, यूजर नेम लिखना है, एक पिन बनाना है 6 डिजिट का, उसमें टर्म एंड कंडीशन करके ओके कर देना है, तो आपका आईडी बन जाएगा। जब आईडी बन जाएगा तो फिर से आपको यहीं पे आना होगा लॉगिन करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि पहले लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद आगे की प्रक्रिया आप सभी को समझाता हूँ। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अगर कोई डॉक्यूमेंट डाल रखे हैं आपने तो यहाँ पे दिखाई देगा, आधार कार्ड वगैरह भी दिखाई देगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं डाला है तो नहीं दिखाई दे रहा है, पेन वेरिफिकेशन भी दिखाई देगा, डिजिटल लॉकर का ड्राइव भी दिखाई देगा। आपको सिंपली नीचे जाना है और यहाँ पर अलाउ कर देना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखिए डिजी लॉकर एक वेबसाइट है जहाँ पे लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने मार्कशीट वगैरह को डाल के रखते हैं, तो ये जी भी बंदा है जिसका मैं कर रहा हूँ ना यहाँ पे, वो ऑलरेडी इतना सारा डाल के रखा हुआ है, आप डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करके वो सब डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा काम है एबीसी कार्ड बनाना। तो सिंपली नीचे आएंगे, अगर आपने आधार कार्ड वगैरह वेरीफाई नहीं कर रखा है ना तो आपसे आधार कार्ड वेरीफिकेशन यहाँ पे मांगा जाएगा, तो सिंपली आधार कार्ड डाल के और ओटीपी डाल के आप अपना आधार कार्ड से या पैन कार्ड से या ड्राइविंग लाइसेंस से किसी से वेरीफिकेशन कर लेंगे। वेरीफिकेशन करने के बाद नीचे आपको सिंपली अलाउ कर देना है, जैसे ही आप अलाउ करेंगे तो आपसे सामने एक न्यू पेज इस प्रकार के खुल के आपके सामने आ जाएगा, और फिर यहाँ पे ये आपका फाइनली एबीसी कार्ड बनेगा, आपको ऊपर में दिखाई दे रहा होगा एबीसी बैंक ऑफ क्रेडिट, तो यहाँ पे सिंपली एबीसी कार्ड बनेगा और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, आइडेंटिटी टाइप आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ देना चाह रहे हैं, ये न्यू एडमिशन, नॉन एनरोलमेंट एडमिशन, रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, तो आप इनमें से कोई भी चीज़ दे सकते हैं। जैसे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हैं और रोल नंबर भी दे सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी से जैसे पास आउट कर चुके हैं, 20 से 23 सेशन है या फिर 18 से 21 सेशन है, 19 से 22 सेशन है या फिर आगे आने वाले सेशन, ये यूजी और पीजी सभी के लिए, पीजी वाले छात्र भी, तो रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट करने के बाद ना इंटर प्रोविजनल आधार आईडी रोल नंबर वगैरह यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा आइडेंटिटी वैल्यू के लिए, ठीक है। आप स्टूडेंट हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ वो वाला डाल देंगे जो आपने सेलेक्ट किया। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद नीचे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी अब मैं पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ पे आ रही है। तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने डाल दिया, तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का एक रजिस्ट्रेशन नंबर है TM1904192। इसके बाद नीचे आपको आएगा सेलेक्ट यूनिवर्सिटी करने के लिए, सेलेक्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक करेंगे, थोड़ा देर वेट करेंगे तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी के यहाँ पे नाम आएगा, तो यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे या तो ढूंढ भी लेंगे, तो यहाँ पे सर्च कर लेना है तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा TM भागलपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। TMU का नाम बदल के TMBU, तो TM भागलपुर यूनिवर्सिटी है, आपको TM भागलपुर यूनिवर्सिटी पर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर लिखना है एकेडमिक ईयर, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जिस सेशन में पढ़ाई कर रहे हैं वो सेशन डालना है, अगर पढ़ाई कर चुके हैं पास हो गए हैं तो यहाँ पे आपको अपना सेशन डाल देना है, सॉरी एडमिशन ईयर यहाँ पे पूछा है, एकेडमिक ईयर नहीं पूछा है, यहाँ पे एडमिशन ईयर पूछा है, तो आपका एडमिशन कब हुआ था, तो जिस भी छात्र का मैं भर रहा हूँ इसका एडमिशन 2019 में हुआ था इस यूनिवर्सिटी में, तो 2019 सर्च कर लिया, आपका एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में जब भी हुआ है तो वो एडमिशन ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक आ जाएगा, ये आपका है योर APR ID नंबर, आप इसे अपने पास रख लें, APR ID स्टूडेंट अकाउंट क्रेडिट बेइंग योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी नाउ।
यही आपका एपार आईडी नंबर है। आगे आपको एबीसी कार्ड भी मिलेगा। इस अपार आईडी को आप लोग डाउनलोड करके रख लें या फिर कहीं लिख के रख लें, पीजी वगैरह में एडमिशन लेने के लिए या फिर अदर किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए इस अपार आईडी नंबर का जरूरत पड़ेगा फॉर्म फिलअप करने वक्त। तो ये जो है आपका APAR आईडी नंबर है, इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लें। इसके बाद आपको सिंपली डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद फिर से आप यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपको दिखाई देगा ये आपका एकेडमिक सेशन जो कार्ड है वो बन गया है, ठीक है। ये फोटो आपके आधार कार्ड के हिसाब से ले लेता है, इसलिए यहाँ पे आपको फोटो वगैरह सारा चीज़ शो होगा। यही आपका एबीसी कार्ड है, जैसे आधार कार्ड होता है उसमें आधार नंबर होता है, तो ये एबीसी कार्ड है। यहाँ पे अपार नंबर है, APAR अपार नंबर है। बाकी एबीसी कार्ड और अपार नंबर दोनों सेम है। आपको क्यूआर कोड भी दिया जाता है, हालांकि यहाँ पे अभी क्यूआर कोड आपको शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे एकेडमिक बैंक क्रेडिट कार्ड भी आपको शो होगा, ये बना दिया गया है। आपका अपार आईडी नंबर भी दे दिया गया है, ये आईडी नंबर आपके डिजी लॉकर में सेव रहेंगे। सारा आपका डॉक्यूमेंट्स आगे आप जो भी पढ़ाई करेंगे वो सारा वहाँ पे सेव रहेगा। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास रख लें, ताकि आने वाले समय में जब आपसे ये आईडी नंबर मांगा जाए एबीसी यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कार्ड नंबर, तो आप ये देंगे और आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा। इसमें बाद में चेंज भी किया जा सकता है, सपोज कि अगर आपकी फ़ोटो वगैरह पुरानी आ गई है तो इसे बाद में आप सुधार भी सकते हैं। तो आपने देखा बिल्कुल सिंपल है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए। आप इसे इसी प्रकार से बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी छात्र छात्राओं को बनाना अनिवार्य किया गया है।